عظیم اہتمام کرن والے تامن کرن والے دے مال کریم مار رزقے چ برکت فرمائے. نبی دے سردار ارشاد فرما رہے جڑا بغیر بئی دے کلام نہیں کریں دے. ارشاد فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ, یہ میرے بھرا علی دے چہرے دی طرف ویکھنا عبادت ہے. قرآن پاک نوں ویکھنا عبادت, خانہ کعبے دے دیوار نوں ویکھنا عبادت. لیکن کعبے دا ویندیاں تو 2-3 لاکھ روپیہ خرچ ہوندا تاں بندہ اتھے پہنچے تے اس عبادت توں بندہ فیض حاصل کرے. پوچھے گیا یا رسول اللہ, ایک بندہ امیر علیہ السلام دی علی ابن ابی طالب دی زندگی دے وچ موجود نہیں ہوندا, اس ثواب تو محروم ہو گیا, اس عبادت تو محروم ہو گیا. اے توجہ, فرمائے دے نہیں نہیں, ذکر ہو علی عبادہ, میرے بھرا علی دے ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حضرت یا رسول اللہ, ایک بندہ علی علیہ السلام دی زندگی دے وچ موجود نہیں ہوندا, ذکر نہیں کر سکدا, او اس عظیم عبادت تو محروم ہو گیا. فرمائے دے نہیں نہیں, انہاں دے واسطے بہترین نقصہ جڑا حب علی عبادہ, میرے بھرا علی دے نال محبت رکھنے بھی عبادت ہے. ذکر کرنا عبادت, علی علیہ السلام دے چہرے دوں ویکھنا عبادت, انہاں دی محبت دل وچ رکھنی عبادت. کام جڑا کرو سمو تاں وی عبادت, ٹردے پیو تاں وی عبادت, جس کام دے وچ بھی مشغول ہو اگر محبت علی ابن ابی طالب ہے سینے دے اندر تو عبادت ہے. اس واسطے رسالت امام فرمایا جابر, پوری دنیا ایک پاسے جا رہی ہوئے, پوری دنیا ایک پاسے ہوئے اور میرا کلا بھرا علی ابن ابی طالب ایک پاسے کھلوتو ہوئے, پوری دنیا نو جابر چھوڑ دیونا, علی ابن ابی طالب دی پیر روی کرنی. کیونکہ حضرت فرمائے الحق ما علین و علی ما الحق, حق علی دے نال اور علی حق دے نال.
अल कुरान मा अलीयन व अलीयन मल कुरान, कुरान अली दे नाले, अली कुरान दे नाले, अली जेड़ा जेड़ा काम भी करेंदा गया नींदर च नबो, अली जेड़ा जेड़ा काम भी करेंदा गया कुरान बनदा गया। अली इब्ने अबी तालिब ने हालत रुकू दे भी ज़कात दिती, इन्नमा वलीयकुम अल्लज़ी आयत नाज़िल होई बिस्तर नबी ते सुते मई यशरी नफ्स हुब्देगा मर्दात अल्लाह दा इनाम मिलया। अली इब्ने अबी तालिब जेड़ा जेड़ा काम करेंदे गए ओ कुरान बनदा गया। अज़मत अमीर अलैहिस्सलाम दे क्या कहना, इस बा मुकद्दस महीने दे विच माए शबे कदर, इना शबे कदर दे विच हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम दी शहादत होइए। हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम जिन्हां नूं असीं अपने इमाम मंनदे आं, शिया खैरुल बरिया इस गल दे उत्ते फखर कर सकदे हैं, अल्लाह दी ज़ात ने सन ओ इमाम नसीब फरमाया जिन्हां दी विलादत बाद शहादत भी अल्लाह दे घर च होइए और जिन्हां दी शहादत भी अल्लाह दे घर च, फखर करना सक। 1,24,000 पैगंबर नसीब नहीं हुई काबे दे भी विलादत बाद शहादत, सिर्फ शिया खैरुल बरिया दे इमाम हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम। शबे कदर 1,000 महीने दे नालों ये इबादत जड़ी शबे कदर दी अफसल है। 19 नूं हज़रत नूं ज़रब लगी, 21 नूं हज़रत दी शहादत पई होंदी, लेकिन हज़रत जड़े हैं नाल नाल गुरबा यतीमां दा मसाकीन दा बेवा औरतों का बड़ा ख्याल करेंदे हैं। रात दियां तारीकियां दे विच अपनी पुश्त उत्ते गंदम चा के, खजूर चा के, जैतून चा के मसाकीन लोगों के घर पहुँचेंदे हैं। इन्हना तो जमा अली आ गया तो थोड़े वास्ते समान लेके आया, बल्कि रात की तारीखी दे हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम उन्हें यतीमा मसाकीन के घर के दरवाजे उत्ते वन के रख छुड़े। पता तो लगता है लोगों को जब हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की शहादत हुई उस वेले पता लगा जो कोई साडा मोहसिन, कोई साडा हादी, कोई साडा रहनुमा इस दुनिया तो चला गया जिहड़ा साडी खबरगिरी करेंदा। समझ आई, ऐसी सीरत अपनाओ हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम ने, पढ़ने वाले काफ़ी ने। इस वास्ते मैं 2-4 जुमले जनाब की खिदमत अर्ज़ किए। हज़रत 19 की रात को अपने पुत्रां के घर रोज़ा इफ्तार नहीं किया, पुत्रां के घर रोज़ा नहीं इफ्तार, अपनी धीयां के घर जनाब उम्मे कलसूम के घर इस रोज़े की इफ्तारी है। 19 की रात 18वां रोज़ा ख़त्म होया, 19 की रात शुरू हुई इफ्तारी। मुअज़्ज़मा ने त्रै चीज़ें रखियां, झूठ बंदा पढ़े तो रोज़ा भी बातिल हो पैंदा, झूठ पढ़न दे नाल रोज़ा सुनने वाले दी रोज़ा बातिल हो पैंदा। इस वास्ते अपने हर लफ्ज़ का मैं जिम्मेदार। 19 की रात मुअज़्ज़मा ने त्रै चीज़ें रखियां, दुध का प्याला, जौ की रोटी, तेने मक, त्रै चीज़ें रखी। कायनात दे पाक इमाम फरमाते हैं मेरा लख्त जिगर इन्हें त्रै चीज़ों के बीचों जी ज़्यादा चीज़ तेन महबूब लगती उठा ले, प्यारी लगती उठा ले। मुअज़्ज़मा ने दुध का प्याला उठाया, कायनात दे पाक इमाम पूरी रात आसमान में वेदे रहे। दमी दे टाइम हज़रत अपने घरों निकलन लगे, बतखां अगे वधियां, इन्होंने हज़रत आबाद दामन जरा अपनी मूँह के नाल पकड़िया चोंच के नाल। इमामी हसन अलैहिस्सलाम ने कोशिश की थी जे इन्हों परिंदे नूं अलग किया वजे, कायनात दे पाक इमाम फरमाते हैं हसन बचड़ा इन्हों कुछ नाग ये अपनी जबान दे विच आखना चाहते हैं जो अज रात खतरे तू खाली नहीं। कायनात दे पाक इमाम बाहर निकले, जरा दरवाज़ा आई ना हवेली का उसके नाल जारबंद जड़ा और अड़िया, उस दरवाजे के बीच भी आवाज़ पी आती है कायनात दहादी अज रात खतरे तो खाली नहीं, घरों बाहर न वो। लेकिन इमाम आन जन दे आन गुलदस्ते आजान ते आन आजान दिती, तो कूफे दे हर फर्द ने आजान सुनी, बजुर्ग सुनी, जवाना सुनी, ज़ईफा सुनी, छोटे छोटे बच्चे सुनिए, बद बद कहनात दे हर दरे ने कूफे दे हर फर्द ने आजान सुनिए। रबे काबा की कसम जिमें अली दियाँ धियाँ अली दी आजान सुनिए, कहीं नहीं सुने जिसमें दो आजाना हो, दो आजाना हो
एक कर एक कूफे दे विच अजान हुई ते एक होई एक कर बला दे विच अजान हाय कर छोड़नी रोमन की शक्ल बना छोड़नी जरिया निजात बन वेंदा दो अजान हुई एक कूफे दे विच अजान हुई ते एक अजान हुई कर बला दे विच जै कूफे दे विच अजान दी उद नाम भी अली आई ते जिस कर बला दे विच अजान दी उस नाम भी अली आई जिस कूफे दे विच अजान दी इस सहरी करके अजान दी जिस कर बला दे विच अजान दी वह त्रै दिन का प्यासा आई जिस कर कूफे दे विच अजान दी उसका कातिल हिक आई जै कर बला दे विच अजान दी उसके कातलों का शुमार कोई ना आई बिस्मिल्ला जै कूफे दे विच अजान दी उसनू यकीन आई जो मेरा कातिल पकड़ी के आ बैना जै कर बला दे विच अजान दी उसनू यकीन आई दसवीं का दिन चढ़ना सब तो पहले मेरी शहादत होनी कातला इनाम लेने अदादारो हर कोई जरा अजान की आवाज सुनता गया कहना दहादी कहना द पाक इमाम गुलदस्ते अजान दू लथे आए न उस जगह ते मुसल्ले ते पहली रकात दी तकबीर आखी ते सजदे सर रखे शकी ने जहर लूदा तलवार कहना दहादी दे सर जलाई जरब लगी जरब द लगना ए मुसल्ला लग लहान हो गया आसमान दे जिब्रील मुनादी करेंदा दा नुआ पड़दा दा आला कद गुदला अमीर अल मोमिनीन कहना दहादी जड़ा शहीद हो गया जरब लगी है हर कह जिब्रील दी आवाज सुनी है जिवें अली दियां धीआं सुनी है इंज कहीं नहीं सुनी रो गया दिन कलसूम भैणा बार वंजिए बाबे नूं आसरा देवीए जले दरवाजे ते आई हैं रुक गई हैं ना नाना तेरी शरीयत मजबूर करें दिए बाहर लगियां भी आ अदादारों बाहर रुक गई हैं अल्लाह जाने यार दी रात अले दियां धीयां क्यों ने क्यों बाहर आई हैं खयाम जल्दे पयां तमाशा ही तमाशा पवे दें सामने भिरावां दियां लाशां हैं कह जाते अकबर दे लाशां हैं कह जाते अब्बास दे कटे हुए बाजू हैं कह जाते हुसैन दी लाश दे टुकड़े हैं हुण भिरावां नूं तां याद नहीं करेंदे नजा वाले पासे मुंह करके फरमैंदे वाहे जावा बाबा ले धीआं दियां चादरां लुटियां गईआं